हमें केवल JBM के साथ बातचीत का एक फीडबैक मिलता है, आम आदमी पार्टी के बारे में जानकारी अभी तक नहीं है। अगर मिलता है तो रोकते क्या हैं? देखेंगे सर, आपकी ओर से पहल वही पहल करेंगे। देखिए, हम लोगों को जो डायरेक्शन है और हम लोग जो महसूस करते हैं कि बिहार में जितना अच्छा काम हुआ है, यदि हम इसको ठीक से मार्केटिंग कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, तो जनता तो हमको भी स्वीकार कर सकती है। लेकिन राजनीति में यदि और भी कोई दोस्त मिलेंगे तो उसका भी लाभ होता है। तो इसीलिए अभी तो बाबूलाल जी के साथ ही कुछ मामला बने तो उस पर विचार किया जा सकता है। गोड्डा जिला में 10 अक्टूबर को महागामा और गोड्डा विधानसभा में होना है। 11 अक्टूबर को शिकारीपाड़ा और दुमका विधानसभा में होना है। और इन चारों विधानसभा में जो हमारी सभाएं होंगी उसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री RCP सिंह साहब, रामचंद्र प्रसाद सिंह जी होंगे, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन हैं और राज्यसभा में पार्टी के नेता भी हैं। और उनके साथ हमारे प्रभारी हैं बिहार के मंत्री राम सेवक सिंह साहब रहेंगे और हमारे दूसरे प्रभारी अरुण कुमार सिंह साहब रहेंगे और भी बहुत सारे नेता हमारे रहेंगे कि झारखंड को एक विकल्प मिले। जनता की भी इच्छा है एक सशक्त विकल्प झारखंड को मिले, चूंकि BJP और JMM को बहुत मौके मिले। दोनों पार्टियों को चार चार बार मुख्यमंत्री बनकर सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए जनता दल यू तो खुद विकल्प बनना चाहती है ताकि जनताओं की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति हो। इस मामले पर लोगों में भी चर्चा है कि बाबूलाल मरंडी की जो JBM पार्टी है, क्या जनता दल यू उसके साथ मिलकर एक गठबंधन बनाएगी अगले विधानसभा चुनाव के लिए? तो हम लोग उसके खिलाफ नहीं हैं, मगर इसका फैसला हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी को करना है।